हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ऑप्टिकुजस में। आज हम सर्विस यूटिलिटी को देखेंगे ग्लोसरी के अंतर्गत। दिस यूटिलिटी इज़ क्रिएटेड इन रेंडरिंग पर्सनल सर्विस टू कस्टमर्स बाय वेरियस प्रोफेशंस। ये यूटिलिटी तब जनरेट होती है जब कोई पर्सन अपना सर्विस देता है किसी को, किसी कस्टमर को, ठीक है, तो तब ये सर्विस यूटिलिटी जनरेट होती है। जैसे लॉयर है, वो अपना सर्विस दे रहा है किसी पर्सन को, मतलब लॉ के चीज़ों में हेल्पफुल हो रहा है, तो वो क्या होती है, उसकी सर्विस यूटिलिटी वो हो जाती है। जो डॉक्टर है वो क्या करता है, पेशेंट्स को देखता है, तो वो उसकी सर्विस यूटिलिटी होती है, ठीक है। उस सर्विस से क्या होता है, लोग सेटिस्फाई होते हैं। टीचर है तो क्या कर रहा है, टीचिंग कर रहा है, तो वो क्या होगी, उसकी सर्विस यूटिलिटी टीचिंग हो गई, ठीक है। तो सर्विस यूटिलिटी क्या होती है, जब कोई पर्सन अपना सर्विस देता है किसी कस्टमर को अलग अलग प्रोफेशन के तौर पे, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, सर्विस यूटिलिटी। जैसे लॉयर देता है आपको लॉ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सर्विस, तो वो क्या हो जाती है, लॉयर वाली सर्विस यूटिलिटी हो जाएगी। डॉक्टर है, वो आपको मेडिसिन देता है, आपको देखता है, आपके प्रॉब्लम्स को डायग्नोस करता है, तो वो आपकी किस कौन सी यूटिलिटी हो जाएगी, वो भी सर्विस यूटिलिटी आएगी। टीचर टीचिंग कर रहा है, वो भी आपको सर्विस दे रहा है, उससे सेटिस्फेक्शन जनरेट होता है, तो वो भी आपकी क्या होगी, एक तरीके की मतलब सर्विस यूटिलिटी होगी। बैंकर बैंक के कामों में हेल्पफुल होता है, तो वो भी आपकी एक सर्विस यूटिलिटी होती है। तो जो भी सर्विस आप दे रहे हैं किसी भी पर्सन को, अगर उससे उसको सेटिस्फेक्शन जनरेट हो गया, तो वो आपकी क्या हो गई, सर्विस यूटिलिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।